सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। हिमाचल सरकार ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। किस तरह से 10वीं के स्टूडेंट्स प्रमोट करने हैं, किस तरह से उन्हें अंक देने हैं, इसकी तैयारी शिक्षा बोर्ड ने पूरी कर ली है। 12वीं के स्टूडेंट्स को भी किस तरह अंक देने हैं, क्या आधार बनेगा, ऐसे में दोनों कक्षाओं के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड डिफाइंड क्राइटेरिया बनेगा जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे। उस क्राइटेरिया के आधार पर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस फाइंड आउट की जाएगी, ऐसा एक फॉर्मूला भी तैयार किया जा रहा है। इसको लेके बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा बोर्ड की संभवतः प्रदेश सरकार से 4 जून को चर्चा होगी। उसके उपरांत आगामी कैबिनेट में 12वीं कक्षा की परीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है या प्रमोट करना है परफॉर्मेंस के आधार पर, इसको लेकर सरकार का फैसला लिया जाना सुनिश्चित किया गया है। उसी आधार पर काम करने के लिए बोर्ड तैयारी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एस के सोनी ने बताया कि वर्तमान में कोविड को लेकर लोगों में भय का माहौल है। ऐसी भी आशंका है कि स्टूडेंट्स में संक्रमण ना फैल जाए। स्टूडेंट्स की सेहत और जीवन की रक्षा के लिए केंद्र की सरकार ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। ऐसे में प्रदेश सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी आधार पर बोर्ड तैयार है। उन्होंने कहा कि फिर चाहे परीक्षा संचालित करनी हो या फिर कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाकर स्टूडेंट्स को अंक देकर पास करना हो, इसको लेकर शिक्षा बोर्ड के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं और अगले सप्ताह तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, 10वीं की और 12वीं की कल ही रद्द हुई है। अब स्टेट बोर्ड ने 10वीं की, गवर्नमेंट ने क्योंकि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी तो 10वीं के बच्चे कैसे प्रमोट करने और कैसे अंक उनको देने हैं तो वो सारा तैयारी जो होनी है बोर्ड के द्वारा कर ली गई है। और जहां तक 12वीं के बच्चे हैं उनको भी किस प्रकार से अंक देने हैं, क्या एक क्राइटेरिया बनेगा, तो दोनों कक्षाओं के लिए एक ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड क्राइटेरिया बनेगा जिसके आधार पर अंक दिए जाएंगे बच्चों को, और उस क्राइटेरिया के आधार पर परफॉर्मर बच्चे भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे और साथ ही साथ बाकी बच्चों को भी पास करके अंक देने के बाद हम पास कर सकेंगे, ऐसा एक पूरा फार्मूला तैयार किया जा रहा है। बोर्ड की तैयारी पूरी है, अभी 4 तारीख को संभवतः सरकार के साथ चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद आने वाली जो कैबिनेट है उसमें अभी 12वीं का किस प्रकार से रहेगा, एग्जामिनेशन करना है या नहीं करना है और इनको प्रमोट करना है परफॉर्मेंस के आधार पर, तो जैसा फैसला सरकार का होगा बोर्ड उसी तरह से तैयार रहेगा। लेकिन बात यह है कि वर्तमान में एक भय का माहौल है और ये भी आशंका है कि बच्चों में संक्रमण ना फैल जाए, तो बच्चों की हेल्थ और उनकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए केंद्र सरकार ने 12वीं के पेपर भी रद्द किए हैं और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भी ये सारे फैक्ट्स होंगे तो कैबिनेट में ये फैसला होगा। बोर्ड तैयार है, जो भी फैसला सरकार लेगी उसी आधार पर हम आगे चाहे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हो या कोई क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाने के बाद बच्चों को अंक देकर उन्हें पास करने की प्रक्रिया है उसे वो पूरी करें और जल्दी इस काम को हम अगले हफ्ते तक कर देंगे।